हेलो एवरीवन, वेलकम इन टू दिस वीडियो। यहाँ पर हमारे साथ राहुल है और राहुल से हम बात करेंगे कि जो बच्चे हाई स्कूल या फिर जिन्होंने इंटर कर लिया है, हाई स्कूल का जिन्होंने पेपर दिया है या फिर इंटरमीडिएट का पेपर दिया है। वैसे भी लॉकडाउन का समय था और इसमें लोगों ने पेपर दिया नहीं, बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है। तो जो बच्चे इस समय 10th में या फिर 12th में हैं, तो उनको क्या करना चाहिए और 10th वाले बच्चों के लिए परफेक्ट चीज़ क्या रहेगी और 12th वाले बच्चों के लिए परफेक्ट चीज़ क्या रहेगी, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे राहुल से और राहुल हमें बताएंगे इन सब के बारे में एक अच्छा सलूशन। तो चलिए मैं पहले राहुल से पूछूंगा 10th वाले बच्चों के लिए उनको क्या करना चाहिए। जी सर, जैसा कि जो 12th के बच्चे होते हैं उनके पास मैथ बायो और सब सारे सब्जेक्ट्स होते हैं 10th में, तो मुझे लगता है सर जो 10th के बच्चे हैं अगर उनको टेक्निकल फील्ड में जाना है, जी सर, तो वो पॉलिटेक्निक का फॉर्म आता है एक, उसको उनको उन्हें अप्लाई करना चाहिए और इंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर वो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको उस एग्ज़ाम इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करके और कहीं टेक्निकल फील्ड में एंट्री करना चाहिए। क्योंकि जब मोस्टली बच्चे होते हैं कि जिनके पेरेंट्स की इनकम बहुत कम होती है, तो ये टेक्निकल फील्ड में हाई स्कूल से अगर बच्चा टेक्निकल फील्ड में जा रहा है तो उसके कम टाइम में ही अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो उससे आगे चल के वो अपना करियर अच्छा बिल्ड कर सकता है सर। अच्छा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो इंसान 10th में है वो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकता है और पॉलिटेक्निक कर सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से, कि उसकी फीस कम हो जाएगी। कम हो जाएगी जी। अच्छा, और क्या कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म अगर भर देगा, प्राइवेट कॉलेज में भी जाता है, तब भी उसे स्कॉलरशिप मिल सकती है। स्कॉलरशिप मिल जाए, ये आपका, क्योंकि मुझे लगता है वो तो पॉलिटेक्निक में भी कुछ ब्रांचें होती होंगी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो उसमें कौन सी ब्रांच है? मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सारे ब्रांच, CS होते हैं, काफ़ी ब्रांचेज, 400 से लगभग ब्रांचेज हैं। तो उसको जो ब्रांच जिसमें जिस फील्ड में जाना वो ब्रांच चूज कर सकता है और उस के अकॉर्डिंग अपना करियर बिल्ड कर सकता है। मुझे लगता है कि 12th से ज़्यादा बेटर है वो 10th करे, वो 10th के बाद वो पॉलिटेक्निक का फॉर्म डाल के अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम उसका निकल जा रहा है तो वो अच्छा रहेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करे। अगर नहीं निकलता तो गवर्नमेंट हमारी जो है काउंसलिंग से बच्चे आते हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो जो 2 साल वो अपना वहाँ 10th करने में अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको यहाँ लगा के 1 साल और ऐड करके उसमें अपना वो अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं सर, और कम टाइम में ही अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने अब बताया, आप पहले मुझे मिले होते, मैंने भी पॉलीटेक्निक किया है, मैंने तो इंटर के बाद पॉलीटेक्निक किया है, मैं 10th से कर लेता तो हो सकता मुझे इंटर ना करना पड़ता। चलिए, अगर कोई भी 10th का बच्चा है वो ITI ना करके, 10th के बाद ITI भी होता है, ITI ना करके पॉलीटेक्निक का फॉर्म अगर भरता है, पॉलीटेक्निक कर ले जाता है, तो वो काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन रहेगा, काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन, ITI से बेटर ऑप्शन। तो पॉलिटेक्निक से क्या बनते हैं, जूनियर इंजीनियर बनते हैं? जी सर, जैसे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है जो हर डिपार्टमेंट में, आजकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है जूनियर इंजीनियर की, जैसे रूरल डेवलपमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, JEE वगैरह होते हैं, हर डिपार्टमेंट में JEE होता ही होता है, बिना JEE के कोई डिपार्टमेंट काम नहीं करता है। जी जी बिल्कुल, हर फील्ड में उसको अपॉर्चुनिटी होती है सर। अच्छा, मान लिया कि जो JEE जो है हर एक डिपार्टमेंट में रहता है, तो अगर 10th करके कोई भी इंसान पॉलिटेक्निक कर लेता है तो जूनियर इंजीनियर बन सकता है। जी जी, इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी जूनियर इंजीनियर मिलते होंगे, सिविल में भी, अपना अच्छे से वो प्रिपरेशन करके सर, प्रिपरेशन करके एक दो साल अगर तैयारी करेगा, 2 साल तैयारी करके गवर्नमेंट वैकेंसी आती है JEE में, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही लार्ज वो स्कोप है उसमें। अच्छा अच्छा, तो अच्छा अपना करियर बिल्ड कर सकता है गवर्नमेंट में सर। तो देख रहे सर क्या बता रहे हैं कि अगर आप 10th भी आपने किया है तो 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं और पॉलिटेक्निक के थ्रू आप जूनियर इंजीनियर, उसकी सैलरी कितनी होती होगी सर? जी सर, स्टार्टिंग सैलरी 40 से ऊपर ही होती है सर लगभग। जी, 40+ सैलरी आफ्टर द 10th। अगर आपने 10th ही किया है तो आप अगर पॉलिटेक्निक कर ले जाते हैं तो उसके बाद 40+ की सैलरी आप गेन करेंगे, 40 से मैक्सिमम जाता होगा 70-80 तक, बिल्कुल 70-80 तक जाता है। और फिर गवर्नमेंट जॉब की तो फिर रॉयल्टी अलग है सर वो तो। जी जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब की तो फिर रॉयल्टी कुछ अलग है। तो यही है कि जो हाई स्कूल के बच्चे हैं अगर वो इंटर नहीं करना चाहते हैं, तो हाई स्कूल के बच्चे कुछ पॉलीटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। अभी उसकी डेट क्या है पॉलीटेक्निक फॉर्म भरने की, कोई डेट बची है? फिर निकल चुकी है, निकल चुकी है सर लगभग। ओके, आई होप पॉलीटेक्निक फॉर्म की डेट निकल चुकी है, लगभग 27 के आसपास होगी। जी सर, 27 जुलाई के आसपास पॉलीटेक्निक की डेट होगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो है हाई स्कूल के जो भी बच्चे हैं तो वो पॉलीटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप उन्हें अगर उनको पॉलीटेक्निक करना, जूनियर इंजीनियर बनना है,
वैसे जूनियर इंजीनियरिंग की जो पॉलिटेक्निक बीटेक की इमेज तो बहुत बेकार है, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके अंदर पोटेंशियल है जी सर, तो वो कहते हैं ना बेस्ट से बेस्ट निकालना, बेस्ट मतलब गारबेज कूड़ा कचड़ा उससे भी बेस्ट चीज़ें निकालना, रिसाइकल करना, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। वैसे ये सारी चीज़ें बेकार नहीं, टेक्निकल कोर्स है, टेक्निकल फील्ड में सर अगर आपको गवर्नमेंट मिल जाता है तब भी अच्छी बात है, प्राइवेट में तो अच्छा स्कोप, अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो प्राइवेट में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। ओके तो फिर चलिए, तो हो गया पॉलीटेक्निक जी सर, जो हमारे पास हाई स्कूल के बच्चे थे जी सर। अब मैं इंटर वाले बच्चों के बारे में कुछ पूछना चाहूँगा, जो बच्चे हमारे इंटर कर चुके हैं जी सर। कुछ बच्चे इंटर में होते हैं भाई, कॉमर्स लिया उन्होंने, यस। कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने साइंस साइड लिया, साइंस साइड की भी दो कैटेगरी वहाँ पे बांट दी उन्होंने जी, मैथ ले लिया या बायो ले लिया। और फिर कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने इंटर किया आर्ट साइड से जी, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है क्या क्या हो सकता है। तो मैं पहले आपसे पूछूंगा, जिन बच्चों ने इंटर किया है आर्ट साइड से वो क्या कर सकते हैं? आर्ट साइड से जो बच्चे किए होते हैं वो डायरेक्टली जनरली बीए वगैरह या बीएससी वगैरह करते हैं सर। अच्छा, आर्ट साइड वाले बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट बीए करके एमए करके आगे चल के अपना करियर थोड़ा बना सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे कॉमर्स किए हुए हैं वो क्या कर सकते हैं? कॉमर्स से जो बच्चे इंटर किए होते हैं वो जनरली या तो कॉमर्स के बाद बीकॉम वगैरह लोग करते हैं, बीकॉम कर लिए, बीकॉम के बाद सीए कर लिए, एमबीए कर लिए, तो उनसे अच्छा करियर बिल्ड हो सकता है। अगर अगर वो उस फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं कि क्योंकि वहाँ काफ़ी इफ़र्ट करना पड़ता है जॉब के लिए, तो अगर वो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो अगर वो टेक्निकल फील्ड तो अपना हाई स्कूल बेस पे वो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं सर। अच्छा, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने इंटर कर रखा है, अगर वो चाहते हैं कि सीए बनना तो वहाँ पे तो उन्हें काफ़ी इफ़र्ट करना पड़ता है। और कॉमर्स वाले बच्चे आगे चल के बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए भी कर सकते हैं क्या? बीबीए भी कर सकते हैं सर, बीबीए भी कर, बिजनेस रिलेटेड सारे वो मैनेज, बिजनेस रिलेटेड कर सकते हैं। बीबीए वाले बच्चे एमबीए कर सकते हैं और बीकॉम वाले बच्चे एमबीए, एमबीए तो जो है सभी लोग कर सकते हैं। अच्छा, ग्रेजुएशन होना चाहिए उसके बाद। चलिए, तो फिर अगर आपने क्या बताया कि बीकॉम वाला बच्चा है, बीकॉम नहीं जो कॉमर्स से बच्चा पढ़ा हुआ है, इंटरमीडिएट किया हुआ है, अगर वो बीकॉम वाली फील्ड की तरफ ना जाना चाहे तो वो पॉलीटेक्निक की तरफ आ सकता है, टेक्निकल फील्ड में आना, टेक्निकल फील्ड में आना चाहे तो वो पॉलीटेक्निक कर सकता है टेंथ बेस पे। अगर आपने बीकॉम कर लिया है तो आप एक या ये ऑप्शन अपना सकते हैं, अदरवाइज आप अगर वो मेडिकल बीकॉम जाना चाहता तो एएनएम वगैरह कर सकता है, बीकॉम वाला एएनएम भी कर सकता है। लड़कियां जो होती हैं जो टेंथ बेस पे सर, उनके पास इंग्लिश होना चाहिए बस, क्योंकि वो इंग्लिश बेस पे हो जाता है एएनएम सर, तो वो एएनएम भी कर सकते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन ये भी मिल गया आपको, अगर आपने टेंथ किया है, टेंथ में आपके पास इंग्लिश तो है ही, तो आप एएनएम भी कर सकते हैं। यस सर, एएनएम भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आएंगे अपने फेवरेट बच्चों की तरफ जो थोड़ा साइंटिस्ट बनने की कैटेगरी में आते हैं। यस सर, ट्वेल्थ करते हैं, हाई स्कूल करते हैं वो साइंस साइड से, फिर बाद में ट्वेल्थ में भी कुछ जाते हैं साइंस साइड से, और वहाँ पे उन्हें लगभग 25-30 सब्जेक्ट, लगभग 40 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उन्हें पढ़ना होता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट की लगभग चार चार पाँच पाँच किताबें होती हैं। जब मैं पढ़ता था तो लगभग 36 किताबें हुआ करती थी, अब पता नहीं कितना होगा। तो मैथ में भी ये कैटेगरी, तो इंटर में भी कैटेगरी आ जाती है साइंस साइड में, मैथ और बायो। तो जो मैथ के बच्चे हैं, तो सर मैथ के बच्चे क्या कर सकते हैं, उनके लिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बताइए जिससे कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ज़्यादा इधर उधर पूछताछ ना करें। सर मैथ के बच्चों को जनरली सर मार्केट लोग बता रहे हैं कि बीटेक का मार्केट ख़राब है, मार्केट ख़राब है, लेकिन सर ऐसा कुछ होता नहीं सर, अगर बच्चा इफ़र्ट करने वाला है सर। आजकल देख रहे हैं 90% नहीं 70% जो आईएएस पीसीएस क्वालिफाई कर रहे हैं सर वो बीटेक वाले होते हैं जी, जी। तो मुझे लगता है सर कि जो बच्चे मैथ से इंटर पास आउट होते हैं उन्हें बीटेक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत ही अच्छा स्कोप होता है सर बीटेक के बाद, क्योंकि वो बीटेक वो उनको बीटेक में ऐसा उनको बना दिया जाता है सर कि वो 49 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद वो उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि वो कहीं भी रहेंगे सर तो मतलब अपनी जीवन यापन वो अच्छे फील्ड में एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सर जो बच्चे इंटर से पास आउट होते हैं मैथ, वो इंटर मैथ से पास आउट होते हैं सर, उनको बीटेक ज़्यादा अच्छा रहेगा सर उनके लिए। तो बीटेक बी फार्मा वगैरह भी कर सकते हैं क्योंकि एक एटीयू ने अलाउ कर दिया है, तो बी फार्मा वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर वो उन्होंने मैथ से इंटर किया है तो बीटेक ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो अपना बीटेक में कोई भी एक कोर्स चूज कर लें, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, काफ़ी ब्रांचेज होती हैं, अब आर्किटेक्चर से होता है, काफ़ी ब्रांचेज होती हैं, तो मुझे लगता है उनके लिए बीटेक ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। तो बीटेक पर, बीटेक के बारे में बता रहे हैं, तो क्या बीटेक में ऐसा है कि जैसे ही हम बीटेक का नाम सुनते हैं, इंजीनियरिंग का नाम सुनते हैं और
मेडिकल लाइन का जैसे नाम सुनते हैं तो हमारे मन में आ जाता है कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, हो सकता है 10-5 लाख रुपए खर्च करना पड़े तभी बीटेक हो पाए। तो क्या ऐसा है कि 10 लाख रुपए खत्म? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, वो बच्चे फंस जाते हैं इधर उधर जाके, ऐसा कुछ नहीं सर। ये अगर आप देखिए, आजकल देखिए सब कुछ डिजिटल ज़माना आ गया है, सब कुछ इंसान नेट पे सर्च कर लेता है। तो आजकल एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हर जगह एडमिशन हो रहा है। गवर्नमेंट के गाइडलाइन है सर, जो बच्चे काउंसलिंग से रहेंगे उनको हम स्कॉलरशिप देंगे। तो कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती प्राइवेट कॉलेज के, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दीजिए उसके थ्रू आइए, आपको कम फीस में एडमिशन हो जाएगा जी। अगर कोई इंसान जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है जी सर, और फॉर्म भरता है, एग्ज़ाम देता है जाकर और काउंसलिंग कराता है, तो प्राइवेट कॉलेज भी 1 लाख 2 लाख ना मांग करके फीस कम कर सस्ते में जो है उसका एडमिशन ले लेते हैं। तो देखिए, जो इंसान 12th कर चुका है और जो बीटेक करने के बारे सोच रहा है तो उसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि उसे 1 लाख 1.5 लाख रुपए हर साल देना होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी कॉलेज में जाके फंस जाते हैं तो अलग बात है। तो देखिए, मुझे लग रहा है आपने भी बीटेक किया है। जी सर, मैंने भी बीटेक किया, वैसे हमारा साइड अगर करियर काउंसलिंग इंस्टीट्यूट भी है सर, तो उसमें हम 12th के बच्चों को, जो बच्चे 12th और हाई स्कूल पास आउट होते हैं सर, उसमें हम बच्चों को गाइड करते हैं, उनका करियर काउंसलिंग करते हैं। तो सर वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे से जी। वैसे करियर काउंसलिंग की आप बात करें, करियर काउंसलिंग का नाम तो पहले चलता था लेकिन आजकल तो बहुत बर्बाद हो चुका है, लोग करियर काउंसलिंग के नाम पर सोचते हैं कि फंसा दिया जाए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कैरियर काउंसलिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बच्चों को बस सब एक समझ लीजिए एक तरीके का एनजीओ चला रहे हैं, हम बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरीके का एनजीओ है जी सर। तो इसमें आप बच्चे कनेक्ट, हम काफ़ी बच्चों का हम लोग एडमिशन करा भी चुके हैं कम फीस पे, 0-0 फीस पे काउंसलिंग से बच्चे आ रहे हैं, उनका हम 0-0 फीस पे करा दे रहे हैं ऐसे। तो वो बच्चे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बच्चा सेटिस्फाइड भी है सर, एज ए लोकल गार्जियन हम वहाँ उसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं सर यहाँ पे। बिल्कुल, आप यहाँ पर आपका जो है करियर काउंसलिंग इंस्टीट्यूट भी चलता है शहीद नगर के नाम से, जहाँ पर हम बच्चों की जो है ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करते हैं उनका एडमिशन करने में, जो भी है एज ए लोकल गार्जियन बनकर उनकी हेल्प करते हैं। अगर फीस के मामले कोई अगर गरीब बच्चा हो, फीस के लेकर के अगर ज़्यादा दिक्कत परेशान हो तो फिर हम लोग फ्री में भी एडमिशन करा देते हैं सर। और कई कुछ तरीके होते हैं, जैसे ट्रस्ट वाले कॉलेजेज होते हैं कुछ गवर्नमेंट को, अगर वो बच्चा एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आया तो हम उसका हेल्प कर देते हैं सर। जी बिल्कुल, और उसको हेल्प करनी भी चाहिए जी सर। उसका हम उसको ऐसा प्लेटफॉर्म कुछ बता देते हैं सर कि वो अपना खुद से वहाँ अर्निंग करना स्टार्ट कर देता है सर, एटलीस्ट फीस नहीं तो अपना खर्च निकालना, माँ बाप किसी तरीके से फीस का अरेंज कर देते हैं, कुछ हम हेल्प कर देते हैं, तो ऐसा उसको हम प्लेटफॉर्म बता देते हैं सर कि वो अपना खुद का खर्च के लिए अर्निंग स्टार्ट कर देता है। जी बिल्कुल, ये तो ज़रूरी है कि अगर कोई भी बच्चा बाहर से आया है, 4 साल अगर आपने कहीं पर पढ़ाई की है तो 4 साल के बाद हो सकता है 1 साल आपने कहीं गैप मार लिया हो, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ तो तरीका आ ही जाता है अर्निंग करने का। लेकिन अगर आपके पास क्या पोटेंशियल है जी सर, तो पैसा हर जगह पैदा कर सकते हैं जी सर, ये भी चीज़ है। तो चलिए मैं बात करूँगा आगे, ये मैथ की बात हो गई। मैथ में आपने बीटेक के बारे में बताया जी सर, बहुत सी ब्रांचेस हैं, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स जी सर, ये सारी ब्रांचेस होती हैं। अगर बायो से किसी ने इंटर किया तो वो इंसान बायोटेक कर सकता है। यस सर, बायोटेक भी कर सकता है। आपने माइक्रोबायोलॉजी का नाम सुना है, इसमें बायोटेक ही जो है, बायोटेक कंपनियाँ ही कोरोना वायरस वाली जो है दवाइयाँ बना रही हैं जी सर जी। तो फिर जो बायो के बच्चे हैं जी सर, जिन्होंने PCM नहीं PCB लिया है मैथ से डर के, यस सर, उन्हें भी मैथ की पावर मालूम नहीं है, जिन्होंने मैथ से डर के बायो लिया है, अब वो बायो वाले बच्चे क्या कर सकते हैं जी सर? बायो वाले बच्चे जो है वो मेडिकल फील्ड में आजकल देख ही रहे हैं, काफ़ी स्कोप है, बी फार्मा, BSc नर्सिंग, डी फार्मा, NM, GNM, काफ़ी कोर्सेस हैं, तो सबका फॉर्म आता है। अभी देखिए BSc नर्सिंग में नीट के थ्रू एडमिशन स्टार्ट हो गया, तो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आ गया सर, बच्चे भर सकते हैं, वो अपना एग्ज़ाम दे के वहाँ से काउंसलिंग करा सकते हैं, वहाँ से भी उनका फीस में भी कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा सर, और वो डी फार्मा भी कर सकते हैं, बी फार्मा भी कर सकते हैं। बायो से सर, मेडिकल अगर बच्चा बायो से किया है सर तो वो BA BSc ना करके, मुझे लगता है कि अगर वो क्विक रिजल्ट चाहता है, कम टाइम में अर्निंग स्टार्ट करना चाहता है, सो वो मेडिकल फील्ड में आए जी। या मैथ का बच्चा कम टाइम में अगर वो अर्निंग चाहता है तो वो टेक्निकल फील्ड में आए, मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर है। आजकल देखिए सर, ये कहावत चल रही है कि कम टाइम में, हर कोई चाहता है कि कम टाइम में अर्निंग स्टार्ट होना चाहिए, और होना भी चाहिए सर, ये बहुत ज़रूरी है कि कम टाइम में अर्निंग स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है सर। तो मुझे लगता है टेक्निकल फील्ड में काफ़ी स्कोप है, क्योंकि बच्चे आजकल देखिए मेडिकल फील्ड में आप देख ही रहे हैं कोरोना में कितना क्या जी है। जी जी बिल्कुल, तो जो बच्चे PCB से पास आउट हो रहे हैं इंटर में, वो अपना देखिए नीट का फॉर्म आता है, उसका फॉर्म डाल के वो BSc नर्सिंग कर सकता है, और अभी UPSET का फॉर्म आया था जिससे वो बच्चा बी फार्मा डी फार्मा कर सकता है जी। फिर
एनम जीएनएम भी एडमिशन करा सकता है सर। तो बी फार्मा जो आप बता रहे बी फार्मा का क्या, बी फार्मा और डी फार्मा जी सर इसका क्या जो है आगे बेनिफिट है? जी सर बी फार्मा का बेनिफिट ये सर, बी फार्मा देखिए 4 साल का कोर्स होता है। इसमें ये है सर कि गवर्नमेंट पहले ये था कि बी फार्मा करने के बाद आप अपना खाली मेडिकल एक डाल सकते हैं या फिर किसी जो दवा बनाती है कंपनियां हिमालय कई सिपला उपला की इसमें आप जॉब कर सकते हैं सर। लेकिन गवर्नमेंट ने इस साल कुछ अलग रूल ले आया है कि अगर आप बी फार्मा कर लेते हैं सर और किसी MBBS के अंडर में रह के आप 1 साल ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आप अपना खुद का क्लिनिक वगैरह खोल सकते हैं सर। जी बिल्कुल, अगर मैं खुद का क्लिनिक खोलना तो बी फार्मा बहुत बेटर जी सर, तो बी फार्मा बेटर है। अगर मेडिकल खोलना चाहते हैं तो बी फार्मा, तो डी फार्मा से क्या मेडिकल नहीं खोल सकते हैं? जी सर डी फार्मा से आप केवल एक मेडिकल खोल सकते हैं, जैसे आप कोई किसी को दवा नहीं दे सकते हैं सर। डी फार्मा से हम केवल मेडिकल खोल सकते हैं, दवा नहीं दे सकते। अगर हमें दवाई भी देना है और मेडिकल भी खोलना तो हमें बी फार्मा करना होगा। जी जी बिल्कुल, ऐसा बच्चों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चे हैं जो मैथ से या फिर बायो से जो बच्चे हैं उनके अंदर अभी कन्फ्यूजन है जी सर कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए ठीक, और हम थोड़ा इसके बारे में आपसे बात करेंगे कि जो भी बच्चे बायो वाले हैं बी फार्मा और डी फार्मा के अतिरिक्त आपने भी बताया कि नीट का फॉर्म भर के हम बी एस सी नर्सिंग। तो यार इससे पहले जो है डायरेक्ट एडमिशन हुआ करता था, पहले डायरेक्ट हुआ जाता था, लेकिन इस साल ने गवर्नमेंट का कुछ अलग गाइडलाइन आ गई है, कुछ रूल रेगुलेशन लागू कर दिया है, तो वो इस साल नीट के थ्रू एडमिशन सीट अलॉट कर रहा है सर। तो नीट के थ्रू सीट अलॉट कर रहा है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन भी चेंज कर दिया जी सर। जी सर, तो एक और भी दो कोर्सेस आते हैं ANM और GNM, उसमें डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। अगर वो कराना चाहता है कोई बच्चा तो कॉलेज में जाके विजिट करके अपना डायरेक्ट एडमिशन करा सकता है, अगर कोई चाहता है हमसे तो हमसे डायरेक्ट वो कमेंट लिस्ट में अपना। तो इसमें तो हमें लग रहा है कि यार ANM GNM अगर जो भी इंसान करता होगा उसे तो 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए देना होता होगा। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, 2-2 लाख 4-4 लाख नहीं, हमारे यहाँ सर कम कम कॉलेजों में, हमारे लखनऊ में कभी कई ऐसे कॉलेज हैं जहाँ कम फीस में भी एडमिशन हो रहा है। तो ये तो डिपेंड करता है सर ब्रांड ऑफ कॉलेज पे। जी जी बिल्कुल, कॉलेज के ब्रांड पे डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में जाते हैं और जो है वहाँ की फैसिलिटी कैसी है और उस हिसाब से आपका फीस का जो है मिलता है फीस स्ट्रक्चर। तो चलिए, हमने यहाँ पर बात करी है अपने हाई स्कूल के बच्चे और इंटरमीडिएट के बच्चों के करियर के बारे में, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अगर आपने हाई स्कूल किया है तब आप कहाँ जा सकते हैं, और अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप कहाँ जा सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और अगर कोई भी डाउट होता है तो डाउट को भी कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है, तो हम आपके जो है वीडियो को बनाएंगे और उस आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और अगर देखिए इसमें मैंने जितना भी चीज़ें बोली हैं, बीटेक बोला है, MBA बोला है, MTech बोला है, और ओके हाई स्कूल के लिए मैंने पॉलिटेक्निक बोला है और इंटर के लिए मैंने जो भी बीटेक बोला है, तो इन सब चीज़ों के लिए ऐसा है कि अगर आप कुछ भी क्वेरी जानना चाहते हैं इनके बारे में, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो भी लखनऊ के अंदर, तब आप क्या कर सकते हैं कि सामने नंबर दिख रहा है तो आप नंबर पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे तो आपको 1 घंटे में रिप्लाई मिल जाएगा, और अदरवाइज़ आप जो ग्रुप दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से लिंक से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।